हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता ही है, था आपने थंबनेल में देख लिया होगा, रामदेव अग्रवाल सर ने बहुत अच्छे शेयर्स बताए। उन्होंने बताया कौन से सेक्टर है जो कि आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड है, वो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, और उन्होंने क्या क्या बातें बताई है वो भी बात करेंगे, और रामदेव अग्रवाल सर है कौन तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा एंजल ब्रो डीमेट अकाउंट का। यहाँ पर फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि फ्री में अकाउंट एज वेल एज जीरो डिलीवरी चार्जेस, इंडिया का नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले रामदेव अग्रवाल सर है कौन, इनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, रामदेव अग्रवाल सर इंडिया के वॉरेन बफेट कहा जाता है, और ये वॉरेन बफेट आपको जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं उनको अपना गुरु भी मानते हैं, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। एज वेल एज मोतीलाल ओसवाल, आपने इस नाम सुना होगा, उनके ये को फाउंडर भी है, और लगभग $1 बिलियन की इन्होंने इसी मार्केट से कमाए भी है। तो काफ़ी इनके रिसर्च भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, और आज 25 साल हो गए थे तो 25 साल में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और बताया था कि कौन कौन से सेक्टर इन्हें अच्छे लगते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके देखिए, अच्छी कंपनी में निवेश हमेशा रहा फायदेमंद, उतार चढ़ाव से घबराए नहीं, रामदेव अग्रवाल। ओके, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आज मोतीलाल ओसवाल एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी का मतलब 25 साल इसे कंप्लीट हो गए थे, इनकी ने जो को फाउंड करी थी मोतीलाल ओसवाल। ओके, इनको 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 25 साल से वो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से अपनी राय देते आए हैं। तो 1995 से 2020 के बीच कंपनी की मार्केट कैप 6,30,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। इन्होंने रिलायंस के बारे में बताया कि रिलायंस ने 25 साल मतलब 25 साल पहले रिलायंस की वैल्यू केवल 12,000 करोड़ रुपए थी, बट अभी जो देख रहे हैं ना, विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड मतलब पेंडामिक से पहले लगभग 6 से 6 लाख के लगभग थी, और पेंडामिक के बाद अभी 13 लाख और 14 लाख की हो गई है। तो उन्होंने बताया था कि निफ्टी में जहाँ पर केवल 7% के हिसाब से, 9-8% के हिसाब से बढ़ी है, और के ये इसने जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 16% के हिसाब से बढ़ी है। तो उन्होंने बताया, अलग अलग सेक्टर बताया कि कौन कौन से सेक्टर अच्छे लगते हैं उन्हें। तो उनमें सबसे अच्छा जो उन्होंने नाम लिया उसमें लाभ लिया लाइफ इंश्योरेंस का। इन्होंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आगे चल के बहुत अच्छा बूम दे सकती है, 5-10-15 साल में इनकी लाइफ अलग हो सकती है। उन्होंने 1-2 साल, 1-2 महीने की बात नहीं करी, ही वॉज टॉकिंग अबाउट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स ऑफ पीरियड। ओके, तो ये इन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया था कि कुछ ही कंपनी मार्केट में लिस्ट है, तो मार्केट में जो लिस्ट है उससे रिलेटेड कर लेते हैं। तो देखिए, ये दो कंपनी लिस्ट है, पहले तो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस से पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था, काफ़ी कम लेवल पर वो शेयर चल रहा था, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये जो कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस है, डेट फ्री है, अभी 641 पे चल रही है। देखिए, गिरावट भी अच्छी खासी हुई थी विद इन दैट पर्टिकुलर ये पेंडामिक के टाइम पे। पेंडामिक के बाद देखिए क्या अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न इसने आपको दिया, और ज़्यादा टाइम इस कंपनी का हुआ नहीं है, लिस्ट हुए लगभग 2017 में हुई थी। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें, काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट है, जैसे कि रिजर्व देख लीजिए, लगभग 4,775 करोड़ के रिजर्व, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में कोई भी बोरिंग नहीं है। एज वेल एज अगर हम बात करें इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, लगभग 680 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सब लेवल पर ये कंपनी नंबर वन पे आती है। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करें तो देखिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये इसे भी अगर हम बात करें तो लगभग ये कंपनी भी 2017 में ही लिस्ट हुई थी। पेंडेमिक में देखें यहाँ पर लगभग 602 रुपये पे शेयर आ गया था, और अभी ये उसके बाद 1,000 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल रहा था, और अभी भी अगर हम बात करें 52 वीक हाई 1,020 है, और 52 वीक लो 519 रुपये का है, और अभी 854 पे चल रही है। तो अभी भी अगर यहाँ से भी बात करें हम तो काफ़ी अच्छा स्कोप हमें नज़र आता है यहाँ पर से, लगभग 6%। और अगर हम यहाँ से बात करें इसके 52 वीक हाई से, तो लगभग 14% की गिरावट है दोनों ही कंपनी में। तो यहाँ से आप इस इनकी तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं, और ये भी डेट फ्री कंपनी है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ रिजर्व्स। देखिए, लगभग 7,743 करोड़ के रिजर्व्स है, फिर लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है। एज वेल एज हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो लगभग 1,423 करोड़ रुपये का यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि
काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी की। इसके अलावा जिस कंपनी की उन्होंने बात की थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया रिलायंस, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटली ये कनेक्टेड है, उन्होंने बताया था कि डिजिटल कंपनीज़ है जो काफ़ी आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, और पुरानी कंपनीज़ एज वेल एज़ नई कंपनीज़ बहुत सारी मार्केट में आ सकती है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो पुरानी कंपनी में तो जैसे कि आपको पता ही है रिलायंस, ओके, मल्टीबैगर रिटर्न्स दी है, अगर अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें करोड़पति बने हैं इस शेयर में इन्वेस्ट करके। और अगर और भी आर्टिकल अगर इनका पढ़ते हैं तो देखिए इन्होंने जिस शेयर की बात करी है उसमें देखिए HUL वगैरह भी आते हैं जो कि FMCG सेक्टर से रिलेटेड है, FMCG के, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल आएगा और जब सारे लोग जैसे जियो मार्ट आ गया, ओके, अमेजोन पे आपकी ग्रोसरी बिकती है, फ्लिपकार्ट पे बिकती है, तो कहीं ना कहीं इन से वो अपनी कोई अच्छा अपना ही खुद का प्रोडक्ट हो ना, वो बेचेंगे किसका प्रोडक्ट बेचेंगे, वो HUL का प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो HUL बनाते हैं, वो ITC का प्रोडक्ट बेचेंगे, ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स वो बेचेंगे, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट बेचेंगे, तो FMCG की कंपनी की तरफ आप नज़रें बना सकते हैं। उन्होंने बताया था कि FMCG की कंपनी तब भी रिटर्न देती थी, आज भी रिटर्न देती है। एज वेल एज उन्होंने बताया है कि देखिए इंश्योरेंस, बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, कंज्यूमर शेयर, ये सारे के सारे शेयर आगे भी आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे। तो इसलिए अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं मार्केट से तो इन जो ये शेयर्स हैं ना जो उन्होंने बताया रामदेव अग्रवाल साहब ने, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंज्यूमर सेक्टर, एज वेल एज इन्फोसिस, ओके, IT सेक्टर, इन सभी शेयर की तरफ, जैसे पिडिलाइट, आयशर, इन सभी सेक्टर की तरफ आप नज़रें बना रही है, उनके बेस्ट बेस्ट शेयर है ना जो अपने पोर्टफोलियो में रखिए, तो आपको काफ़ी अच्छा इनमें रिटर्न्स मिल सकता है। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स बता रखे हैं, अगर आप मेरे यहाँ पर जाएंगे मेरे पेज पर, ओके, तो आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे शेयर्स आपको मिलेंगे जो मैंने डेट फ्री शेयर बताया है, एज वेल एज आपको बेहतरीन शेयर यहाँ पर मैं देखिए बताता रहता हूँ। आप अगर जाएंगे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने डेट फ्री शेयर, देखिए पिडिलाइट मैंने बताया, मल्टीबैगर शेयर्स, ये सारे के सारे देखिए वॉरेन बफेट ने बताए, तो ऐसे ऐसे शेयर्स मैंने आपको बता रखे हैं, ब्रिटानिया देखिए, तो सारे शेयर बता रखे हैं, IT शेयर्स एज वेल एज FMCG शेयर, आपको मतलब सभी शेयर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाइए, वीडियो सर्च करिए, आपको जो अच्छा शेयर लगता हो उसे की वीडियोस देखिए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, कुछ फंडामेंटल्स आपको पता चल जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे डीमेट अकाउंट का लिंक है, क्लिक करेंगे तो फ्री में आपका डीमेट अकाउंट हो जाएगा ओपन, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।